हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए सीआईडी का कुछ मजेदार और जासूसी पहेलियां लेकर आया हूं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। एक बार पंकज और दया सर एक जगह पे बातें कर रहे थे, तभी वहां पर अचानक एक राक्षस आ जाता है और वह पंकज को किडनैप कर लेकर चला जाता है। तभी दया सर उसका पीछा करते हैं, तभी वह एक जगह पे पहुंचते हैं, वहीं पर वह राक्षस रहता है। तभी दया सर उस राक्षस से बोलते हैं, तुम पंकज को कहां पर रखे हो? तभी वह राक्षस बोलता है, अगर तुम मेरे एक पहेली का जवाब दे दोगे तभी मैं बताऊंगा कि पंकज कहां पर है। तभी दया सर बोलते हैं, ठीक है अपना पहेली पूछो। तो राक्षस बोलता है, तो ठीक है सुनो, ऐसी कौन सी चीज है जिसका उपयोग करने से पहले उसे तोड़ा जाता है? तो दोस्तों, क्या आप दया सर का हेल्प कर सकते हैं? क्या आप इस पहेली का आंसर दे सकते हैं तो आप अपना आंसर हम कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, इसका आंसर का अंडा। तभी दया सर इसका आंसर दे देते हैं। तभी और राक्षस दया सर को बता देता है कि पंकज कहां पर है। तभी दया सर उस सामने की हवेली में घुस जाते हैं और उस हवेली में घुसते ही उनके सामने तीन दरवाजे आ जाते हैं। इन तीनों दरवाजे में कोई ना कोई खतरा है और दया सर को इन तीनों दरवाजे में से कोई एक सेफ दरवाजा चुनना होगा और उसी में पंकज है। दोस्तों, पहले दरवाजे में तो एक खतरनाक जॉम्बी है। अगर दया सर पहले दरवाजे से जाएंगे तो वह जॉम्बी उन्हें मार सकता है और दूसरे दरवाजे में एक खतरनाक क्रोकोडाइल है, वह दया सर को खा सकता है और तीसरे दरवाजे में एक 7 महीने से भूखा एक चीता है, वह भी दया सर को खा सकता है। तो दोस्तों, क्या आप दया सर का हेल्प कर सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि दया सर के लिए कौन सा दरवाजा सेफ होगा? अच्छे से देखिए और मुझे अपना आंसर हम कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब का टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि दया सर को यह चीता वाला दरवाजे से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि दोस्तों वह चीता 7 महीने से भूखा है। दोस्तों, वह अब तक तो मर गया होगा, इसलिए दया सर को उस तीसरे दरवाजे से बाहर निकलना चाहिए। तभी दया सर उस तीसरे दरवाजे में घुस जाते हैं और पंकज मिल जाता है। तो दोस्तों, इतनी मस्त पहेली के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अगली पहेली देखते हैं। एक बार पंकज एक शोरूम से एक नई कार खरीदता है और वह कार को लाकर अपने घर के बाहर पार्किंग कर देता है और घर के अंदर चला जाता है। जब थोड़ी देर के बाद वापस आकर देखता है तो वहां पर उसकी कार नहीं रहती है। तभी वह बहुत घबरा जाता है और अभिजीत सर को बुलाता है। तभी अभिजीत सर भी वहां पर आ जाते हैं और आते ही पंकज अभिजीत सर से बोलता है, सर मेरा कार चोरी हो गया। तभी अभिजीत सर उससे बोलते हैं कि तुम्हारी कार कौन सी कलर की थी? तभी पंकज बोलता है, सर ग्रीन कलर की थी। तो फिर अभिजीत सर कार को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और उन्हें आगे जाते ही एक जगह पे वैसे ही तीन तीन कार मिलती है। तो दोस्तों, क्या आप अभिजीत सर का हेल्प कर सकते हैं? क्या आप इन तीनों कार को देखकर बता सकते हैं कि इनमें से पंकज की कौन सी कार है? अच्छे से देखिए और मुझे अपना आंसर हम कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, इनमें से दो नंबर ली पंकज की असली कार है, क्योंकि दोस्तों आप उस कार के अगले टायर को देखेंगे तो अगले दोनों टायर में कीचड़ लगा हुआ है और दोस्तों जहां पर पंकज अपने घर के बाहर कार को पार्किंग किया था वहां पर कीचड़ था और वहां पर कार का टायर का भी निशान है। इसका मतलब दो नंबर ली
पंकज की असली कार है। तो चलिए दोस्तों अब अगली पहेली देखते हैं। एक बार अभिजीत सर, पंकज और दया सर अपने पैर गीले कर एक डिफिकल्ट टास्क करते हैं, जो अभिजीत सर बर्फ के नुकीले रास्तों से जाते हैं और पंकज गर्मा गर्म लावे से गुजरता है और दया सर गर्मा गर्म कोयले से गुजरते हैं। तो दोस्तों क्या आप इन तीनों को देखकर बता सकते हैं कि इन तीनों में से कौन सेफ्टी निकल जाएगा? अच्छे से देखिए और मुझे अपना आंसर हम कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों अब आपका टाइम शुरू होता है। अब तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों इनमें से दया सर सेफ्टी निकल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों तीनों अपने अपने पैर में पानी लगाए हैं और गर्मा गर्म कोयले से दया सर का पैर का पानी वेपस बन जाएगा और वेपस पैर और कोयले के बीच एक लेयर बना देगा, जिसकी मदद से दया सर आसानी से वो कोयले वाला रास्ता पार कर देंगे। तो दोस्तों इसमें आपका क्या आंसर है? आप अपना आंसर हम कॉमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल रोजगार रील्स को सब्सक्राइब कीजिए।